राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इससे प्रदेश के 7 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने वाला है। जी हाँ, अगर आप भी राजस्थान सरकार में कार्यरत हैं, तो आपका 3 प्रमोशन वाला रास्ता खुल गया है, क्योंकि गहलोत कैबिनेट ने कर्मचारियों के प्रमोशन की 31 साल पुरानी व्यवस्था लागू कर दी है। हालांकि इस फैसले के बाद लोगों के मन में कई सवाल भी हैं। लोग सोच रहे हैं कौन से कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे और कौन से नहीं, और ये फैसला लागू कब होगा। तो चलिए हम बताते हैं। आपको बताएं कि सरकारी नौकरी में 9, 18 और 27 साल की सर्विस पूरा कर लेने पर कर्मचारियों को प्रमोशन पोस्ट के साथ पे स्केल दिए जाने का प्रावधान किया गया था। 1992 में सीएम रहते हुए भैरव सिंह शेखावत ने इस फैसले के साथ राजस्थान में बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला था। अब लगता है सीएम अशोक गहलोत भी इस फैसले को रिपीट कर चुनाव से पहले प्रदेश वासियों को लुभाने की कोशिश में है। गहलोत कैबिनेट के इस नए फैसले के लागू होने के बाद अगर किसी कर्मचारी का 9 साल के भीतर प्रमोशन नहीं हुआ तो उसे इसके तहत 9 साल में कम से कम पहला निश्चित प्रमोशन मिल जाएगा। साथ ही कर्मचारी को अपनी सर्विस में कम से कम 3 प्रमोशन मिल सकते हैं, और जाहिर है प्रमोशन बढ़ेंगे तो उसी के तहत कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये फैसला लागू कब होगा। अब चुनाव आने वाले हैं और अगले महीने आचार संहिता भी लगने वाली है, तो बता दे कि गहलोत कैबिनेट में इस पर फैसला हो चुका है और जैसे ही वित्त विभाग इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा उसी दिन से ये लागू हो जाएगा। अक्टूबर में किसी भी वक्त राजस्थान में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में गहलोत सरकार पूरी कोशिश में है कि जल्द से जल्द इस फैसले को लागू कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।